नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू परचेज सेकेंड हैंड कार। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों आज के लेसन में हम लोग सेकेंड हैंड कार परचेज करने से रिलेटेड सेंटेंस लाए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो तो नमस्ते सर, क्या आप पुरानी कारें यानी सेकेंड हैंड कार बेचते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं अपने लिए सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे कम रख रखाव यानी लो मेंटेनेंस वाली कार चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो कार खरीदने के लिए मेरा बजट 2 लाख रुपये तक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा नमस्ते सर, सो दोस्तों नमस्ते सर को हम इंग्लिश में कहेंगे हेलो सर। दोस्तों या तो आप बोल सकते हो नमस्ते सर, या आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ऐसे में हम कहेंगे हेलो सर, क्या आप पुरानी कार बेचते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू सेल। डू यू सेल, एस ई डबल एल, सेल मतलब होता है बेचना। डू यू सेल सेकेंड हैंड कार? क्या आप पुरानी कारें बेचते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू सेल सेकेंड हैंड कार्स। सो दोस्तों डू यू, डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, सेल होता है बेचना, सेकेंड हैंड कार यानी पुरानी कारें, क्या आप पुरानी कारें बेचते हैं, डू यू सेल सेकेंड हैंड कार्स। ओके, दूसरा सेंटेंस है मैं अपने लिए सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहोगे मैं चाहता हूं, तो मैं को हम कहेंगे आई वॉन्ट टू परचेज। दोस्तों परचेज का मतलब होता है खरीदना, आई वॉन्ट टू परचेज अ सेकेंड हैंड कार। मैं अपने लिए सेकेंड हैंड कार परचेज करना चाहता हूं। सो दोस्तों आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूं, परचेज यानी खरीदना, मैं खरीदना चाहता हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू परचेज। सेकेंड हैंड कार को हम सेकेंड हैंड कार ही कहेंगे, आई वॉन्ट टू परचेज अ सेकेंड हैंड कार। अपने लिए, दोस्तों अपने लिए को हम कहेंगे फॉर मी, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू परचेज अ सेकेंड हैंड कार फॉर मी। ओके, तीसरा सेंटेंस है दोस्तों मुझे कम रख रखाव वाली कार चाहिए, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट अ लो मेंटेनेंस कार। सो दोस्तों आई यानी मुझे, वॉन्ट यानी होता है चाहना, मुझे चाहिए आई वॉन्ट अ लो मेंटेनेंस कार यानी कम रख रखाव वाली कार, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ लो मेंटेनेंस कार। ओके, ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा कार खरीदने के लिए मेरा बजट 2 लाख रुपये है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई हैव 2 लाख रुपीज बजट फॉर बाइंग कार।
कार खरीदने के लिए, तो उसकी इंग्लिश होगी फॉर बाइंग कार। फॉर बाइंग कार यानी कार खरीदने के लिए। मेरा बजट 2 लाख रुपए तक है। आई हैव 2 लाख रुपीज बजट, यानी मेरा 2 लाख रुपए बजट है फॉर बाइंग कार। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू लाइक दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, do take care of yourself.